दोस्तों, मैं सागर चैनल में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी भी आप दबा लीजिएगा ताकि आपको जो है 10th क्लास की जो है मैथ पढ़ाई जा सके और आप जो है अच्छी तैयारी कर सकें। तो देखिए, इसमें जो है ये प्रश्न 22वां है 3G का। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें ₹3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें ₹1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को कैसे हल करेंगे, आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ हम मानेंगे, माना एक बल्ले और एक गेंदे का मूल्य जो है एक्स वाई जो भी हम मानेंगे, माना। गणित देखिए अक्सर करके जो है माना जाता है, आप मानेंगे। आप भी अपनी ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ते हैं तो मानकर ही आगे बढ़ते हैं कि मैं सफल होऊंगा। ठीक है, जब आप मान लेंगे तो फिर वहाँ से जो है मानने के बाद आपका कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस का पहला शब्द है माना की। ठीक है, तो हम मानेंगे, माना एक बल्ले तथा एक गेंद का मूल्य मान लीजिए रुपया एक्स तथा रुपया वाई है, अलग अलग मान लीजिए। तब क्या हो जाएगा, 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य क्या 3800 रुपया है, 3800 है। 7 बल्ले तथा 6 गेंद का मूल्य 3800 रुपया, 3800 है। तो 7x हो जाएगा, ये देखिए एक बल्ले का x हो जाएगा और एक गेंद का y है, तो एक बल्ले का 7x + 6y = 3800, समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार दूसरे कंडीशन में हम चलेंगे, 3 बल्ले 5 गेंद हैं तो 3x + 5y = 1750, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को हल कर देना है और आंसर ले लेना है। तो अब हल कैसे करेंगे, हाँ ये इसको कोई भी विधि आप लगाइए, मान लीजिए प्रस्थापन विधि से समीकरण 1 से हल करेंगे, समीकरण 1 से। तो 7x + 6y = 3800 है, तो 7x निकालेंगे तो 3800 - 6y, ये x पर हो जाएगा 3800 - 6y / 7 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, ये समीकरण नंबर हो गया 3। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 से x का मान समीकरण इसमें रखेंगे, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यह था 3x + 5y = 1750 था। अब यहाँ यह वैल्यू रख देंगे तो 3 × x का मान क्या है 3800 - 6y / 7 + 5y = 1750 क्या है 50। ध्यान दीजिएगा, हमने यही रखा है, x का गुणा है ना यहाँ, इसलिए यहाँ रखा है ब्रैकेट में, x का वैल्यू यही है। देखिए ब्रैकेट लगा कर रखा हूँ ताकि कहीं गड़बड़ ना हो, गुणा कर दीजिए 3 × 0 = 3, 0 × 3 = 24 / 4, 3 × 3 = 2, 11 हो जाएगा, 3 × 6 = 18y / 7 है 5y = 1750, 11,418y, एलसीएम लेंगे 7×5=35y / क्या हो जाएगा 7 = 1750। अब यहाँ 18 में से यहाँ 35 घटेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये 17y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ जो है ये 17 नहीं, हाँ 18 × 36, यहाँ कितना हो जाएगा, ये 17y हो जाएगा, क्या हो जाएगा 17y। तो ये हो जाएगा, यहाँ से हम घटाएंगे तो 11,400 - +17y, ठीक है, ये कितना हो रहा है 17 बच रहा है, ठीक, ये 35 में 18 घटेगा तो 17 ही बचेगा, हाँ 8×7=15, ठीक। कभी कभी है थोड़ा सा कन्फ्यूजन बने लगता है, अब 7 का गुणा करेंगे तो 11,400 + 17y गुणा कर दीजिए 7×0=7×35 / 5 हाथ में है 3×7=49, 50×51=52 हाथ में 5×7=55, 12, ठीक है, इतना हो गया।
अब यहाँ से 17 y बराबर घटा दीजिए, 12,250 माइनस 11,400, तो 17 y बराबर जब ये घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ 800, ये बचेगा 50, क्या बचेगा 850। तो y बराबर 850 बटा 17, 17 × 50 85, y का मान कितना आ गया, ये 50 आ गया। ठीक, y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 हमारा क्या था, ये क्या था, 6 7x + 6y बराबर 3800, 7x + 6y बराबर 3800। ठीक, तो यहाँ 7x 6 × y का 50 3800 है, तो 7x 6 × 5 = 30, ये 300 हो गया, 3800 है, तो 7x 3800 माइनस 300। ठीक, 7x 38 में 3 जगह हो जाएगा, ये 3500, x बराबर हो जाएगा 3500 / 7, 7 × 5 = 35, ये आ गया 7 × 5 = 35, 500 आ गया, कितना आ गया यहाँ से, यह x की वैल्यू, यानी प्रत्येक यहाँ हो जाएगा आंसर में जो जो हम माने थे, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य हो जाएगा, अतः प्रत्येक बल्ले एवं गेंद का मूल्य 500 एवं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 रुपया, 500 रुपया है, ये 50 रुपया, ये हल हो गया। अब इसी प्रकार से जो है दूसरे प्रश्न को हल करते हैं, वह दूसरा प्रश्न किस प्रकार है आइए देखते हैं। देखिए कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है, किया जाता है। 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा ₹105 है तथा 15 किमी के लिए भाड़ा ₹155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा ₹105 है और तथा 15 किमी के लिए भाड़ा ₹155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए भाड़ा कितना देना होगा? बहुत अच्छी जो है अच्छा प्रश्न है, क्योंकि यह भाड़ा की बात हो रही है, अक्सर जो है सवारी से लोग यात्रा करते हैं तो भाड़े की बात आती है, तो उस पर यह क्वेश्चन बना दिया, बहुत अच्छी बात है, दैनिक जीवन में यूज भी हो रहा है, ऐसे प्रश्न अगर बने तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ जो है इसको कैसे हल करेंगे, मानेंगे ठीक है कि मान लीजिए यहाँ जो कह रहा है टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, मानेंगे माना जो है कि टैक्सी का नियत भाड़ा जो है ₹X तथा 1 किमी का भाड़ा वाई है, 1 किमी का भाड़ा ₹Y है, क्या है ₹Y है। देखिए टैक्सी का नियत भाड़ा X और 1 किमी का भाड़ा ₹Y है, तो नियत भाड़ा अब देखिए कह रहा है 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा ₹105 है तथा 15 किमी के लिए भाड़ा ₹155 है, ठीक है। तो नियत भाड़ा ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है? तो नियत भाड़ा और 10 किमी, देखिए यहाँ कह रहा है 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा इतना 105 है, तो नियत भाड़ा प्लस 10 किमी भाड़ा क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे नियत भाड़ा प्लस 10 किमी जाने में कुल भाड़ा 105 है। तो नियत भाड़ा हम क्या माने थे, x माने थे, और 1 किमी 10 किमी जाने में क्या y माने हैं, तो 10 y हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा, ये 10 y बराबर 105। नियत भाड़ा x माने थे और 1 किमी जाने में 10 y बराबर इतना हो गया, ठीक है। इसको समीकरण नंबर हम क्या दे देंगे, 1 दे देंगे ना। देखिए जब आप समीकरण बना लेंगे ना तब समझ लीजिए जो है आप शेर हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक समीकरण बनेगा नहीं तब तक जो है घी नहीं निकल सकता है। तो दही को ऐसे मथन करिए कि
कि अच्छे से तरीके से घी निकले। बहुत लोग दही जब मथेंगे नहीं तो घी निकलेगा नहीं, तो क्वेश्चन समझिए दही के समान। आप इसको जो है जितना ही पढ़ेंगे, जितना ही माथा इसमें लगाएंगे, जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही आपको पकड़ बनेगा। ठीक उसी प्रकार तथा 15 किमी के लिए भाड़ा 155 है। क्या है? 15 किमी भाड़ा के लिए नियत भाड़ा प्लस यहाँ भी लगेगा वही सूत्र, नियत भाड़ा प्लस 15 किमी जाने में कुल जो है 15 किलोमीटर जाने में कुल भाड़ा, 15 किमी जाने में कुल भाड़ा कितना लग रहा है? यहाँ 155 है। तो नियत भाड़ा 100 माने थे, 15y बराबर 155। समीकरण नंबर 2 हो गया। बस समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए, बड़ी आसानी से हो जाएगा। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो x प्लस 10y बराबर 105 है, आई x प्लस 15y बराबर 155 है। घटा दीजिए माइनस माइनस माइनस, ये x x कैंसिल। अब 15 में से 10 बजेगा तो माइनस 5y, 155 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा सीधा आपका 50। क्या बचेगा? यहाँ जो है ये घट रहा था माइनस, यहाँ माइनस 50 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। वाई 5y बराबर 50, y बराबर 50 बटा 5 पंद्रह में y का मान कितना आ गया? 10 आ गया। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 2 क्या है? 2 है यही है x प्लस 15y बराबर 155। तो x प्लस 15 गुणा यहाँ 10 हो जाएगा, देखिए गुणा है y के टर्म में 155। तो यहाँ से x प्लस 15 दाम 150 बराबर 55 है 100, तो 155 माइनस 150 x का मान जो आ रहा है यहाँ से आ गया 5। ठीक है, तो नियत भाड़ा जो है 5 रुपया है। ठीक, और प्रति किमी भाड़ा क्या है? ये y का मान है 10 है। नियत भाड़ा 5 रुपया और प्रति भाड़ा जो है, प्रति किमी भाड़ा जो है 10 रुपया है। यानी 25 किलोमीटर यात्रा करने पर कुल देय कितना देना पड़ेगा यह पूछ भी रहा है। यदि 25 किमी यात्रा करने पर जो है कितना भाड़ा देना पड़ेगा? तो देखिए 25 किमी जो यात्रा करेगा तो वहाँ भाड़ा क्या होगा मैं बता रहा हूँ। 25 किमी यात्रा करने में कुल देय भाड़ा, 25 किमी यात्रा करने में कुल दे भाड़ा, तो भाड़ा क्या हो जाएगा? x प्लस 25y है। तो x क्या आया था? x आया था ये 5 आया था, ठीक है, और 25 है, y का आया था 10, यहाँ रख देंगे 25, 250 यानी 255 जो है ये रुपया होगा कितना में? 25 किमी जाने में। इस प्रकार यह हल हो गया। इस प्रकार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक भी करें। नमस्कार दोस्तों।